अस्सलामुअलैकुम। टुडे वी डिस्कस सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 2, पेज नंबर है 65। ट्रिकी टर्म पढ़ेंगे हम। कर्व, अ बेंट लाइन और सरफेस। कर्व क्या होती है हमारे पास? बेंट लाइन, जैसे ये मुड़ी हुई इस तरह होती है। इसके आपने डेफिनेशन लर्न करनी है। और सेकंड क्या हमारे पास? फाउंड क्या होता है? फाउंड की डेफिनेशन देख लेते हैं। द पर्टिकुलर साइज एंड स्टाइल ऑफ द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट एंड और नंबर्स यूज्ड इन पीस ऑफ टेक्स्ट और अ ड्राइंग। जो हम स्टाइल देते हैं टेक्स्ट को या नंबर्स को ड्राइंग में, वो क्या होता है हमारे पास? फाउंड होता है। वो हम अपनी मर्जी से जो टेक्स्ट होता है उसे हम अपनी मर्जी से स्टाइल दे सकते हैं। पॉलीगोन क्या होती है? अ क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ थ्री और मोर लाइंस। कई कोनों वाली शक्ल होती है। पॉलीगोन को हम कई कोनों वाली शक्ल भी कहते हैं। और ये क्या होती है? क्लोज्ड शेप होती है। क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ थ्री और मोर लाइंस। थ्री या इससे ज़्यादा लाइंस की भी आप बना सकते हो, वो आपकी मर्जी, आप कितनी बड़ी बनाना चाह रहे हो। मैग्नीफाई क्या होता है? टू मेक समथिंग लुक बिगर देन इट एक्चुअली इज़। कोई चीज़ है अगर हम उसे ज़्यादा बड़ा करके देखना चाह रहे हैं तो वो हमारे पास क्या होती है? हम उसे मैग्नीफाइड कहते हैं। मैग्नीफायर हमारे पास होता है जिसके ज़रिए से हम उसे बड़ा करके देख सकते हैं। ये हमने सारी रीडिंग चैप्टर में की हुई है। मैग्नीफायर के लिए एक और टर्म हमारे पास यूज़ होती है जिसे हम जूम इन कहते हैं। जूम इन भी करेंगे तो उसके लिए भी हमारे पास जो ड्राइंग होगी हमारे पास या जो हमारी पिक्चर होगी वो हमें बड़ी होकर, ज़्यादा बड़ी होकर नज़र आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। करेक्ट वर्ड्स के साथ हमने क्या करना है? ये जो ब्लैंक्स दी हुई हैं हमें, उन्हें हमने फिल करना है। फर्स्ट वन हमारे पास है इन द कलर्स ग्रुप क्लिक कलर वन बटन फॉर द डैश कलर। कलर वन हमारे पास किस लिए यूज़ हो रहा था? फोरग्राउंड कलर के लिए। और कलर टू हमारे पास यूज़ हो रहा था बैकग्राउंड कलर के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? फोरग्राउंड कलर। द डैश ग्रुप हैज़ डिफरेंट रेडीमेड शेप्स। कहाँ पे डिफरेंट रेडीमेड शेप्स हमारे पास पड़ी होती हैं? शेप्स ग्रुप में था, जिसमें से हम अपनी मर्जी से कोई भी शेप हम सेलेक्ट कर सकते थे, ट्रायंगल की, हार्स की, या फिर रिक्टेंगल्स की, कोई भी हम शेप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं। वो सारी शेप्स कहाँ पड़ी होती हैं? शेप्स ग्रुप में पड़ी होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द डैश टूल इज़ यूज टू मेक अ कस्टम शेप विद एनी नंबर ऑफ साइड्स। ज़्यादा नंबर ऑफ साइड्स किस शेप के थे हमारे पास? यस, पॉलीगोन के। पॉलीगोन हमारे पास एनी नंबर ऑफ साइड्स शेप होती है, क्लोज्ड शेप। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन यू क्लिक द डैश टूल द टेक्स्ट टैब अपीयर्स इन द टूल बार। किसे हम क्लिक करें तो हमारे पास टूल बार जो होती है वो नज़र आती है। कौन सी टूल होती है हमारे पास? यस, टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल द टेक्स्ट टैब अपीयर। टेक्स्ट टैब अपीयर होता है जब हम टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करते हैं। द डैश बटन इन द कलर ग्रुप इज यूज फॉर द बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड किस लिए? फोरग्राउंड कलर हो रहा था कलर वन से, और बैकग्राउंड किससे हो रहा था? कलर टू से। कलर टू, द कलर टू बटन इन द कलर्स ग्रुप इज यूज फॉर द बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर के लिए हमारे पास कलर टू यूज हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपने चूज करना है। द टूल यूज टू फिल अ सिलेक्टेड कलर इन एनी क्लोज शेप। एनी क्लोज शेप से सिलेक्टेड कलर करने के लिए आपने क्या, कौन सा आपके पास इनमें से यूज हो रहा है? फर्स्ट वन है कलर, फिल विद कलर, फिल नन ऑफ दीज। तो क्या फिल विद कलर, अगर हम फिल विद कलर को सिलेक्ट करेंगे तो क्लोज शेप के अंदर का कलर जो है वो हम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। फिल विद कलर। द टूल यूज टू सेट द करंट फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर इज कलर वन, कलर टू, फिल विद कलर, या फिर फोर्थ वाला कलर पिकर। टूल कौन सा? टूल यूज टू सेट द करंट फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर इज। दोनों कलर एट अ टाइम यूज करने के लिए हमारे पास क्या यूज हो रहा था? कलर पिकर। सेकेंड, थर्ड है द टूल यूज टू मेक समथिंग लुक बिगर देन इट एक्चुअली इज। इज द मैग्नीफायर टूल, कर्व टूल, शेप्स टूल या टेक्स्ट टूल। कौन सी टूल होती है जो हमें ज़्यादा बड़ा करके दिखाती है? वो हमारे पास मैग्नीफायर टूल होती है। टू सेलेक्ट एनी स्क्वायर और रिक्टेंगल पार्ट ऑफ द ड्राइंग क्लिक
अगर हम स्क्वायर या रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ ड्राइंग को सिलेक्ट करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास कौन सी शेप यूज़ होती है, इसके लिए हमारे पास कौन सी टूल यूज हो रही है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। टू ड्रा अ कस्टम शेप विद एनी नंबर ऑफ साइड चूज द पॉलीगॉन टूल, ट्रायंगल टूल या रेक्टेंगल टूल या स्टार टूल। तो अभी हमने पढ़ा था कस्टम शेप के लिए कौन सी यूज हो रही है हमारे पास, पॉलीगॉन टूल। टॉपिक है हमारे पास ड्राइंग इन पेंट। पेंट में हम ड्रा किस तरह करते हैं वो हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास एक्सरसाइज है। आंसर द फॉलोइंग, नेम एनी फाइव रेडीमेड शेप्स इन द शेप्स टूल। रेडीमेड शेप्स जो हमें पहले से होती हैं हमारे पास शेप्स ग्रुप में, उनके हमने नेम बताने हैं। तो हमारे पास क्या है, रिक्टेंगल्स, इलिप्स, ट्राइंगल्स, एरोस, हार्ट्स, ये हमारे पास फाइव शेप्स हैं जो पहले से रेडीमेड होती हैं हमारे पास पेंट में। सेकंड है हमारे पास क्वेश्चन, हाउ विल यू सेलेक्ट एन इरेगुलरली शेप्ड पार्ट ऑफ ड्राइंग। इरेगुलरली शेप जो होती है हमारे पास वो हम ड्राइंग में कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इन द इमेज ग्रुप क्लिक द डाउन एरो अंडर सिलेक्ट। इमेज ग्रुप में हम डाउन एरो को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक द फ्री फॉर्म सिलेक्शन, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड हम फ्री फॉर्म सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इरेगुलरली शेप जो होगी, शेप पार्ट जो होगा शेप का, वो हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, यू डिसाइड टू मेक अ बर्थडे कार्ड फॉर योर फ्रेंड, विच पेंट टूल्स वुड बी द बेस्ट वंस टू यूज, वाई डू यू थिंक दिस। मतलब अगर आप अपने फ्रेंड के लिए कोई बर्थडे कार्ड बनाना चाह रहे हो पेंट में, तो आप उसके लिए कौन कौन सी टूल्स यूज़ कर सकते हो कार्ड बनाने के लिए, वो आपने बतानी है। तो हमारे पास क्या है, पेंसिल टूल हम यूज़ कर लेंगे और लाइंस टूल कर लेंगे, साइज़ बटन कर लेंगे कि पेंसिल का या लाइंस का साइज़ क्या हो, और उसके बाद कलर कौन कौन से होंगे वो आप उससे कलर टूल से सिलेक्ट कर सकते हो। ये फोर आप कर सकते हो कार्ड बनाने के लिए टूल्स यूज़। फोर्थ क्वेश्चन है, मारिया वांट्स टू ड्रा लाइन्स विद 45 डिग्री एंड 90 डिग्रीज एंगल ईच, गाइड हर हाउ डू यू डू दिस इन पेंट। वो अगर वो मारिया जो है वो एंगल्स बनाना चाह रही है 45 और 90 डिग्री के, तो वो पेंट में किस तरह बना सकती है वो बताने हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आंसर क्या है हमारे पास, मारिया शुड होल्ड डाउन द लेफ्ट मोस्ट बटन एट द सेम टाइम एज होल्डिंग डाउन द शिफ्ट की। मतलब जब मारिया ने क्या करना है, 45 डिग्री का या 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट मोस्ट बटन को प्रेस करना पड़ेगा एट द सेम टाइम, और उसी टाइम में उसने कौन सी की को दबा के रखना है, होल्ड करके रखना है, शिफ्ट की को, शिफ्ट की को और माउस लेफ्ट माउस बटन को एट अ टाइम उसने क्या करना है, होल्ड करके रखना है, तो हमारे पास 45 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल वो ड्रा कर सकती है।